मुंबई चातुर्मास स्थल नंदनवन में तेरा पंथ धर्म संघ के आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन सानिध्य में आज अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह का शुभारंभ सांप्रदायिक सौहार्द दिवस से हुआ। आचार्य श्री ने सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति की मंगल प्रेरणा प्रदान की। इस पर देखिए मुंबई से महावीर बड़ाला की यह विशेष रिपोर्ट। अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह का शुभारंभ आचार्य श्री महाश्रमण जी के सानिध्य में सांप्रदायिक सौहार्द दिवस से हुआ। आचार्य श्री ने सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति की मंगल प्रेरणा देते हुए कहा कि अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह का शुभारंभ और प्रथम दिन है, सांप्रदायिक सौहार्द दिवस के रूप में है, तो विभिन्न संप्रदाय हैं उनमें परस्पर मैत्री भाव, सौहार्द भाव, किसी दूसरे के कार्य में हम द्वेष भाव से बाधा पहुंचाने का, दुर्भावना से बाधा पहुंचाने का प्रयास न करें, हो सके अपेक्षा अनुसार किसी का औचित्यानुसार सहयोग करें। सहयोग मान लो न भी करें या अपेक्षा नहीं, तो कम से कम विघ्न बाधा पैदा करने का दुर्भावना पूर्वक प्रयास न करें। तो इस प्रकार का यह मैत्री भाव, अहिंसा का भाव बना रहता है तो पहली बात है खुद की चेतना अच्छी रहती है, हमारी आत्मा अच्छी बनती है और शांति भी रहती है। अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश जी नाहर ने कहा कि अणुव्रत पुरस्कार उद्योगपति रतन जी टाटा, अणुव्रत गौरव पुरस्कार डालचंद जी कोठारी, अणुव्रत लेखक पुरस्कार इकराम जी राजस्थानी व जीवन विज्ञान पुरस्कार राकेश जी खटेड़ को दिया जाएगा। आगे बोलते हुए नाहर जी ने कहा कि आज अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह का शुभारंभ का दिवस पूज्य प्रवर की सन्निधि से निश्चित रूप से देश भर में स्थापित 180 अणुव्रत समितियां और लगभग 40 अणुव्रत मंचों के माध्यम से इस उद्बोधन सप्ताह को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में जन जागरण की दृष्टि से संचालित किया जा रहा है। इसी शुभ अवसर पर पूज्य प्रवर ने जो कृपा दृष्टि अणुव्रत आंदोलन पर बरसाई है, उसी का सुपरिणाम है कि दिन प्रतिदिन अणुव्रत की गतिविधियां पूज्य प्रवर के निर्देशन में गतिमान है। अणुव्रत समिति मुंबई के सदस्यों ने अणुव्रत गीत का संगान किया। छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयममय जीवन हो, जीवन हो। इस प्रसंग पर अणुविभा उपाध्यक्ष विनोद जी कोठारी, सहमंत्री मनोज जी सिंघवी, राजकुमार जी चपलूत, महाराष्ट्र प्रभारी रमेश जी धोका, राजेश जी मेहता, महावीर जी बड़ाला, अणुव्रत समिति मुंबई अध्यक्ष रोशन लाल जी मेहता, मंत्री राजेश जी चौधरी, उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश जी बोहरा, प्रियंका सिंघवी, ख्याली लाल जी कोठारी, पूर्व अध्यक्ष गणपत जी डागलिया, रमेश जी चौधरी आदि मान्यवर उपस्थित थे। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।